नमस्कार। NIOS के DLED पाठ्यक्रम के कोर्स 510 में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। मैं जैन बालिया जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय से आपके साथ चर्चा करेंगे विज्ञान अधिगम के आंकलन हेतु आंकलन संकेतकों का निर्माण। सर्वप्रथम हम बात करना चाहेंगे आपके साथ राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा से संबंधित कुछ उल्लेख की। आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में शिक्षा के लक्ष्य के संबंध में बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए की कसौटी पर व्यापक रूप से विचार किया गया है। आप सभी जानते हैं इस दस्तावेज में प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा प्रक्रिया में ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ने, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करने, पाठ्यचर्या को बच्चों के सर्वांगीण विकास का माध्यम बनाने, परीक्षा को लचीली और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ने और साथ ही साथ छात्रों में मानवीय मूल्यों का विकास करने पर बल दिया गया है। ये पांच प्रमुख हमारी जो उसकी गाइडलाइंस हैं जो एक दस्तावेज में जिन पर बल दिया गया है उसको समझने की ज़रूरत है। यह भी समझ बनी है कि सही मायने में बच्चों की शिक्षा तभी हो पाएगी जब उनके पास इस चीज़ का अवसर होगा कि वह अखंड अनुभव की पूर्व रचना कर सकें एवं ज्ञान का सृजन कर सकें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम सबको इस चारे में से जितने शिक्षा के लोग हैं जो शिक्षक हैं उनको इस बात पर समझना होगा। साथ ही साथ मैं चर्चा करना चाहूँगा जो एक और बहुत महत्वपूर्ण हमारे भारतीय शिक्षा पद्धति में जो एक अधिनियम आया निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये जो जिसको हम लोग राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भी बोलते हैं इसमें बहुत सारे उल्लेख हैं। एक उल्लेख का मैं यहाँ पर आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने शिक्षा को एक ऐसी सतत गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखा है जो बच्चों को गरिमामय जिंदगी उपलब्ध कराती है। यहाँ पर बल दिया गया है शब्द गरिमामय जिंदगी, और जहाँ बच्चे भय और तनाव से मुक्त होकर ज्ञान का सृजन करते हैं। आप देख सकते हैं एक चित्र में कि बच्चे के साथ शिक्षक किस तरह से भय मुक्त तनाव मुक्त एक वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि जो हमारे एक क्लासेस में कक्षा में देखा जाता है कि बच्चे भय के साथ अध्यापक के साथ बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर भय मुक्त वातावरण बनाने के प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ एक बहुत खास बात, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है हमारे इस अधिनियम 2009 में, जिसमें इस चीज़ का अभिप्राय है कि ऐसी बाल केंद्रित और बाल अनुकूल शिक्षा हो जो असमानता को दूर करने के साथ साथ शैक्षिक अवसरों को उपलब्ध कराती हो, किसी जाति धर्म मत या लिंग के भेदभाव के बिना सभी विद्यार्थियों की पहुंच गुणवत्ता परक शिक्षा तक हो। जब गुणवत्ता परक शिक्षा की बात आती है तो उसमें कोई जाति धर्म मत या लिंग और साथ ही साथ कोई ऐसे आर्थिक आधार भी ना हो, ऐसी बात हमारे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 में कही गई है। उसके साथ ही साथ शिक्षा विद्यार्थियों में जिज्ञासा, सृजनशीलता, वस्तुनिष्ठता जैसी योग्यताएं तथा मूल्यों का विकास करते हुए समस्या समाधान तथा निर्णय लेने के कौशल को भी विकसित करें, ऐसी बात निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 में कही गई है। शिक्षार्थियों, हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा, हमें इस चीज़ को जानना पड़ेगा कि ये जो हमारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है इसमें किस तरह से हम इन सब चीज़ों का एक किस तरह से हम अपना पथ बनाएं, कैसे हम रास्ता बनाएं, हमारी क्या गतिविधियां हो, हमारी प्रणाली कैसी हो, हमारी प्रक्रिया कैसी हो जिससे कि हम इस क्षेत्र में आगे जा सकें। आइए हम आगे बात करते हैं कि इन शैक्षिक लक्ष्यों की जो बात अभी हमने आपसे की उनकी पूर्ति कैसे संभव है। उनकी पूर्ति तभी संभव है जब छात्राओं के विकास का मूल्यांकन करने के लिए वैध और विश्वसनीय पद्धति भी हो। जहाँ तक हमारा अनुभव रहा है, आपने भी देखा है, विद्यालयों में मूल्यांकन का जोर शिक्षा के सरकारों पर प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक प्राप्त करने के स्थान पर यह ज़्यादा जानने पर रहा है कि कौन कौन से बच्चे पास हैं, कौन से बच्चे फेल हैं।
अर्थात जोर इस पर है कि बच्चे कितने पास हैं, कितने फेल हैं, ना कि ये कि फेल क्यों हैं और पास क्यों हैं। ये बहुत एक आवश्यक, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये हमें इस पर सुधार लाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में जो लागू मूल्यांकन की पद्धतियां हैं, वो शिक्षा के लक्ष्यों के संबंध में समग्र प्रतिपुष्टि फीडबैक प्रस्तुत नहीं करती हैं। केवल चुनिंदा आयामों पर बच्चों के शैक्षिक और अकादमिक प्रगति के बारे में जानकारी देती हैं। हम जब समग्र विकास की बात करते हैं, तो साथ ही साथ समग्र मूल्यांकन की भी बात आती है। उक्त सीमित उद्देश्यों के दृष्टिगत भी अभी प्रचलित मूल्यांकन व्यवस्था में परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। अब प्रश्न ये आता है कि हम इसमें कैसे बदलाव लाएं। उसी के उपलक्ष्य में हम आपसे आज बात करना चाहते हैं संकेतक के बारे में। हम आपसे बात करेंगे कि विज्ञान शिक्षण में संकेतकों का प्रयोग कैसे करें, विज्ञान शिक्षण में संकेतक किस तरह से निर्धारित किए जाते हैं। हम आज बात करेंगे विज्ञान शिक्षण में संकेतकों का निर्माण कैसे करें और निर्माण के साथ उसको प्रयोग में कैसे लाएं। सबसे पहले प्रश्न शिक्षार्थियों ये आता है, संकेतक क्या होते हैं? संकेतक हमें बच्चों की प्रगति के मानदंड प्रदान करते हैं। संकेतक हमें यह बताते हैं कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है। साथ ही साथ संकेतक हमें यह भी बताते हैं कि बच्चे की प्रगति की दिशा क्या है, कि यह जानना कि ज्ञान कितना प्राप्त किया है, उसकी प्रगति कितनी हुई है, उससे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम ये जानें कि प्रगति की दिशा क्या है। अगर वो दिशा भ्रमित है, दिशा उसकी नहीं, उचित नहीं है, तो उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। किसी प्रश्न का उत्तर हम बच्चे से लेते हैं, कोई उसको हम एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराते हैं। प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि बच्चे ने उत्तर क्या दिया, उससे महत्वपूर्ण यह है कि बच्चे ने उत्तर किस प्रकार प्राप्त किया। प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है और संकेतक इसी ओर इंगित करता है। संकेतक बेसिकली यही चीज़ बताता है कि बच्चे ने उत्तर किस तरह प्राप्त किया और किस तरह उसको उसका उत्तर प्राप्त करना चाहिए, उसकी दिशा क्या होनी चाहिए। साथ ही ये आंकलन के प्रति शिक्षक और विद्यालय का नजरिया भी प्रस्तुत करते हैं। ये नजरिया स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपने मानदंडों के निर्धारण को दर्शाता है। अब देखिए, इस पर प्रश्न ये भी आता है कि क्या संकेतक एक जैसे होने चाहिए सभी विद्यालयों के लिए, सभी शिक्षकों के लिए, सभी विषयों के लिए? तो हमें जानने की आवश्यकता है कि संकेतक विषय अनुसार बदलते हैं। संकेतक शिक्षक अपने अनुसार बना सकता है, अपनी कक्षा के छात्रों के स्तर के अनुसार बना सकता है। संकेतक हमें बच्चों की प्रगति की मानदंड प्रदान करते हैं। संकेतक हमें यह बताते हैं कि बच्चों ने अभी तक कितना ज्ञान कौशल अर्जित किया है और ये भी बताते हैं कि किस तरह से वो आगे उसमें प्रगति कर सकता है। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया सही दिशा में चल रही है या नहीं चल रही है, यह संकेतक से हमें पता चलता है। संकेतक असल में देखा जाए तो प्रकरण का ही परिवर्धित रूप है, एक प्रकरण का एक इम्प्रोवाइज्ड फॉर्म है। प्रकरण में अक्सर प्रक्रिया स्पष्ट नहीं होती है, हम जब किसी प्रकरण का उल्लेख करते हैं, लेकिन संकेतक स्पष्ट रूप से उस प्रक्रियागत शिक्षण की बात करता है। अभी आगे चलकर हम आपके सामने इसको कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत करेंगे विज्ञान से संबंधित अलग अलग कक्षाओं के, और आप समझ जाएंगे कि किस तरह से संकेतक एक शिक्षक को और एक छात्र को सही दिशा में जाने की तरफ इशारा करते हैं और उसके उस पूरे शिक्षण प्रक्रिया को एक मजबूत आधार देते हैं। संकेतक बच्चों की प्रगति का आकलन करने में मदद करती है और साथ ही साथ जब हम आज बात करते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन की, तो शिक्षक को सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए अपनी हमेशा आंख खुली रखनी चाहिए, हमेशा इस तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि संकेतक का लगातार इस्तेमाल करते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावता का लगातार मूल्यांकन करता रहे। क्योंकि इसमें बात आती है सतत मूल्यांकन की, बात आती है व्यापक मूल्यांकन की। आपको मालूम है 30 साल से ज़्यादा पहले से हम लोग ने इसको, बल्कि पहले से भी हमने सतत और व्यापक मूल्यांकन को पूरे भारतवर्ष में लागू किया हुआ है, परंतु उसके परिणाम अभी वो नहीं आ रहे हैं जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत ज़रूरी है कि हम ये देखें कि एक सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए शिक्षण प्रक्रिया कैसी हो, अधिगम प्रक्रिया कैसी हो। तो इसलिए आवश्यक है कि एक शिक्षक संकेतक का निर्माण करे, संकेतक के अनुसार अपनी शिक्षण प्रक्रिया को निर्धारित करे और उसी के अनुसार
छात्र छात्राओं का मूल्यांकन भी करें। आपको ये मालूम होना चाहिए कि संकेतक जो होते हैं वो पाठ्यक्रमीय लक्ष्यों पर आधारित होते हैं। लक्ष्य क्या है उस पर निर्धारित है, लेकिन लक्ष्य की दिशा क्या हो उसकी बात संकेतक करते हैं। आकलन की हम जब बात करते हैं, हमने जैसे भी आपसे बात करी कि आकलन केवल याद करने की क्षमता का नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन जब हम करते हैं, मूल्यांकन में इस बात का जोर दिया जाना चाहिए कि जो उसे पढ़ाया गया है उसका अपने जीवन अनुभव दूसरी अन्य चीज़ों से संबंध जोड़ने की योग्यता कितनी है, सीखी ही चीज़ों के बारे में नए एवं सटीक प्रश्न करने की क्षमता कितनी है, अपने पाठों में सही अथवा गलत के विचार से विचलन को देख पाने की क्षमता विकसित होनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। हम मूल्यांकन सिर्फ इस चीज़ का, जैसे मैंने पहले ही भी कहा, मूल्यांकन हम सिर्फ इस चीज़ का नहीं करें कि कितना उसने ज्ञान अर्जित किया है, बल्कि हम ये देखें कि ज्ञान अर्जित करने की उसकी दिशा क्या है, और साथ ही साथ ये देखें कि वो पाठों में सही और गलत विचार से जो विचलन हो रहा है, जो डिविएशन है, उसको देख पा रहा है, इतनी क्षमता उसके अंदर आ गई छात्र में। ये बहुत आवश्यक है, इस चीज़ का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। मूल्यांकन के द्वारा विद्यालय उसमें इस प्रकार की क्षमताएं विकसित करने का प्रयत्न कर सकता है। तात्पर्य यह है कि सभी बच्चों को दी जा रही वाली सूचनाएं जो हैं उसके अर्थ अपने पूर्व अनुभव और अधिगम के आधार पर अपनी तरह से बना सकते हैं। यही प्रक्रिया बच्चों को अपनी समझ बनाने में, यहाँ दबाव यहाँ बल, अपनी समझ की बात चल रही है। अक्सर देखा गया है समझ जो बच्चे की होती है वो पुस्तक पर आधारित होती है। ये पुस्तक पर आधारित ना हो बल्कि अपनी समझ पर हो। हर बच्चे को अपनी पसंद नापसंद, रुचियाँ, परिवेश, कौशल, अनुभव और व्यवहार के तरीके होते हैं। हर बच्चे के अपने अलग अलग होते हैं। हर बच्चा, आप सब जानते हैं, अपने आप में अद्वितीय है। क्योंकि प्रत्येक बच्चा अपने आप में अद्वितीय व्यक्ति है, तो कहीं ना कहीं अपने ढंग से प्रतिक्रिया देता है। इसलिए बच्चों के सीखने सिखाने की योजना बनाते समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम ये देखें कि उसमें जो भिन्नताएं हैं क्या वो पहचान कर सकता है, और इस सच्चाई को स्वीकार भी करें कि सीखने के दौरान भिन्न भिन्न तरीके से प्रतिक्रिया करने और समझने की आवश्यकता है। आगे हम बात करते हैं तो अधिगम जो आंकलन है इसकी प्रक्रिया में संकेतक का महत्व क्या है। इसकी चर्चा मैंने पहले भी शिक्षार्थियों की आपके साथ कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सीखने की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए बच्चों के सीखने की बेहतर समझ और उसे केंद्र में रखने के लिए संकेतक बहुत महत्वपूर्ण है। संकेतक एक दिशा निर्धारित करते हैं। संकेतक बच्चों के सीखने की दक्षताओं का आलंकन करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ संकेतक अभिभावकों, बच्चों और दूसरों के लिए भी बच्चों की प्रगति को आसान तरीके से समझने के लिए संदर्भ बिंदु का काम करते हैं। बहुत आवश्यक है कि बच्चे को ये समझाया जाए कि एक प्रगति का आसान तरीका क्या है, अभिभावक समझे। देखिए संकेतक, अभी आप देखेंगे हम चर्चा करेंगे उदाहरणों के साथ, तो संकेतक तो अभिभावकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और छात्र छात्राओं के लिए तो भी बहुत महत्वपूर्ण है। संकेतक का निर्माण कैसे किया जाए, अब उसकी हम चर्चा करते हैं कि क्या विधि और प्रक्रिया होती है, किस तरह से निर्माण किया जाता है, कैसे बनाए जाते हैं। संकेतक विकसित करते समय यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम किसी विशेष स्तर, आयु, कक्षा के सत्रांत पर कक्षा में क्या प्रगति देखना चाहते हैं, इस पर हम बात करते हैं। ऐसे प्रकार का विजन, ऐसे संकेतक और अंततः ऐसे छात्र प्रोफाइल विकसित करने में सहायता प्रदान करेंगे जो पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के अंतर्गत पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप होंगे। और ऐसी क्षमता शिक्षक में होनी चाहिए कि वो बच्चे के अंतर्निहित संभावनाओं की सराहना कर सके। विकसित किए गए संकेतक पाठ्यक्रमीय लक्ष्यों पर आधारित तथा एक दूसरे से पूर्णतः पृथक रूप से पहचाने जाने होने चाहिए। बहुत आवश्यक है कि वो पाठ्यक्रम के लक्ष्यों पर आधारित भी हों, और एक दूसरे से, एक संकेतक दूसरे के साथ जुड़ा भी हुआ हो लेकिन पृथक भी हो, उसकी पहचान पृथक होनी चाहिए। क्योंकि ये संकेतक कई बार एक कक्षा से लेकर अन्य कक्षाओं तक फैले होते हैं, जुड़े होते हैं, उनमें एक कंटिन्यूटी होती है, एक लगातार उनके साथ जुड़ाव होता है। जो छठी कक्षा में संकेतक हैं उसी संकेतकों में सुधार लाकर हम सातवीं कक्षा के लिए बनाते हैं। आगे हम उदाहरणों से आपके साथ चर्चा करेंगे। संकेतक का क्षेत्र केवल पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यक्रम पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, वरन उसके जो विशेष उद्देश्य हैं पाठ्यचर्या के, करिकुलम के,
उसके अनुरूप होना चाहिए। संकेतकों में शिक्षक द्वारा नियोजित किसी कार्य गतिविधि पर बच्चे की बहुलता युक्त प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए, जो बहुत आवश्यक है। यह अध्यापक को इस चीज़ का, शिक्षक को इस चीज़ का ख्याल रखना है। आप सभी शिक्षक हैं, आप देखें इस चीज़ का ध्यान कि उसकी जो बहुलता युक्त प्रक्रिया है उसको सम्मिलित करने की कोशिश करें। संकेतक का निर्माण बच्चे की अधिग्रहण ग्रहण करने की सततता के रूप में समझना चाहिए। उसके अनुसार उसका एक उसकी जो लर्निंग है, उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी है, जो अधिगम ग्रहण करने की जो सततता है, उसके अनुसार संकेतक का निर्माण होना चाहिए। संकेतकों से यह भी पता चलना चाहिए कि अधिकम कार्य के संदर्भ में बच्चे कैसे प्रगति करते हैं, प्रगति का आधार क्या है, प्रगति की दिशा क्या है। और साथ ही साथ संकेतकों का निर्माण करते समय बच्चों के अनुभवों, प्रश्नों, उनकी अभिव्यक्तियों, विचारों और संवादों को ध्यान में रखना चाहिए। उनकी संवेदनाओं को, उनके संवादों को ध्यान में रखना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है और इसके लिए अध्यापक का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के अनुभवों को, उनके पूछे गए प्रश्नों को, उनकी अभिव्यक्तियों को, विचारों को कहीं ना कहीं उनका अवलोकन करे, कहीं ना कहीं उसको समझे और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए वो संकेतकों का निर्माण करे। अब संकेतकों का प्रयोग कैसे करते हैं? बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है संकेतकों का प्रयोग करना, क्योंकि संकेतकों का प्रयोग करने के साथ ही साथ हमने ये देखना होगा, आवश्यक ये है कि शिक्षक स्वयं अपने कक्षा कक्ष की स्थितियों के अनुसार संकेतकों का प्रयोग करें। अगर कक्षा कक्ष की स्थितियां संकेतकों के साथ मेल नहीं खाती हैं, उनके साथ उनका संबंध नहीं है, तो संकेतकों का हम लोग पूर्ति नहीं कर पाएंगे। हमारे शिक्षक की जो एक प्रक्रिया है शिक्षण की, वो अलग चलेगी। तो बहुत आवश्यक यह है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक क्या हमारे पास किस तरह की स्थितियां हैं, कैसे हमारे पास संसाधन है, ये बहुत आवश्यकता है। संकेतक ही वह आधार है जिसके माध्यम से बच्चों से संबंधित क्षेत्र में दक्षता का सुव्यवस्थित विकास किया जा सकता है। संकेतक का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातें बहुत आवश्यक हैं। कक्षा कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान संकेतक को बच्चों के लिए सुगम और सहज बनाने के लिए उपयुक्त सहायक सामग्री का प्रयोग करें, ये बहुत आवश्यक है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान संकेतकों से संबंधित उन सभी विधियों, प्रयोगों, गतिविधियों का आदि का प्रयोग किया जाए जिनसे संकेतक के उद्देश्य की पूर्ति हो रही हो। उसको उसके लिए अध्यापक को कुछ विशेष कार्य भी करने पड़े, छात्रों से करवाने पड़े, वो करें, वो बहुत ज़रूरी है। अब कुछ हम आपसे बात उदाहरणों के साथ करेंगे। मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा आपके साथ विज्ञान शिक्षण में बच्चों के प्रगति के संकेतक। प्रारंभ करना चाहूँगा कि सबसे पहले कि विज्ञान शिक्षण के आप सभी परिचित हैं, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, आप सभी इनसे परिचित हैं। पुनः आपसे एक उल्लेख करना चाहूँगा कि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, जिज्ञासा का विकास एवं खोज की प्रवृत्ति का विकास करना, खोज करने के लिए अनुमान परिकल्पनाएँ बनाना, किन्हीं तथ्यों या जानकारी की स्वीकार करने से पहले उसकी प्रमाणिकता की मांग करना, ये बहुत आवश्यक। मैं हमेशा मानता हूँ मित्रों, शिक्षार्थियों, कि किसी तथ्यों और जानकारी को स्वीकार करने से पहले उसकी प्रमाणिकता की मांग करे बच्चा और उसको करके देखे, ये बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारे विज्ञान शिक्षण का है। आलोचना, मतभेद एवं प्रश्नों के प्रति सकारात्मक रुख रखे, प्रयोग में तुलना के महत्व की समझ रखे, पर्यावरण के प्रति सजगता और उससे निरंतर सीखने की प्रवृत्ति का विकास, ये कुछ उद्देश्य विज्ञान शिक्षण के हैं जिससे संबंधित हम कुछ आपसे संकेतकों के बारे में बात करना चाहेंगे। मैं आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये कक्षा 5 के कुछ निर्धारित संकेतक हैं, उदाहरण हैं, और देखिए आप इसमें संकेतक कैसे बनाए गए हैं। बच्चे संक्रामक रोगों, उनकी रोकथाम के पर समूह में चर्चा कर रहे हैं। अब एक एक संकेतक पर आप देखेंगे, एक एक संकेतक पर कक्षा की गतिविधियां क्या हैं, कक्षा में कैसे संसाधन चाहिए, शिक्षक का क्या रोल होगा, बच्चे क्या करेंगे, सब कुछ इसमें निहित है। बच्चे जीवन रक्षक घोल और उसके गुणों को बता रहे हैं। बच्चे मिट्टी के कटाव और उनके रोकने के उपायों पर बातचीत कर रहे हैं। बच्चे वायु के गुणों पर चर्चा कर रहे हैं। बच्चे बल एवं ऊर्जा में अंतर बता रहे हैं। बच्चे मशीनों का आधार चुनकर वर्गीकरण कर रहे हैं। बच्चे सूर्य एवं चंद्र ग्रहण की अवधारणा को बता रहे हैं। इस बहुत सारे अलग अलग संकेतक हैं, और एक आपसे बताना चाहेंगे शिक्षकों कि इन्हीं संकेतकों से कुछ और हम इनको विभाजित करके और संकेतकों का निर्माण करते हैं। ये मैंने कुछ मुख्य संकेतक आपसे बात की है। बच्चे कंप्यूटर के मुख्य भागों पर चर्चा कर रहे हैं, जो एक साइंस की बात है। तो
तो हम बात करते हैं कक्षा 6 के निर्धारित संकेतकों की। आपके सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। बच्चे पौधों एवं जंतुओं में अंतर समानताएं बता रहे हैं, बच्चे अनुकूलन के उदाहरण को देते हुए बता रहे हैं, आप चित्र में देख सकते हैं। शिक्षक उसी के अनुसार कक्षा की जो स्थितियां हैं, अब यहां पर आवश्यकता इस चीज़ की है कि कक्षा का मतलब वो चार दीवारी नहीं होनी चाहिए, कक्षा तो बाहर भी लग रही, और किस तरह से अध्यापक बच्चों को उनके साथ बैठकर बच्चे उस चीज़ का अनुभव कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर छात्राओं का मूल्यांकन भी हो रहा है। बच्चे बीजों में भ्रूण, मूलांकुर एवं परांकुर देख रहे हैं, बच्चे बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियों पर चर्चा भी कर रहे हैं साथ में अध्यापक, और यहीं पर चर्चा के दौरान उनका मूल्यांकन भी हो जाता है। आइए कुछ कक्षा 7 के से निर्धारित संकेतकों की बात करते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण हमने लिए हुए हैं, और मैं फिर से बताना चाहूँगा शिक्षकों कि ये मुख्य संकेतक हैं, और इन संकेतकों के साथ ही हम कुछ और संकेतकों का निर्माण भी कर सकते हैं इन एक एक संकेतकों से निकाल के। बच्चे रसायन की भाषा संकेतों को समझ और लिख रहे हैं। आप सब जानते हैं रसायन विज्ञान में भाषा संकेतक होते हैं, कुछ संकेत होते हैं। बच्चे अम्ल, क्षार और लवणों के विषय में बता रहे हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में। बच्चे ताप एवं तापमापी के उपयोगों को बता रहे हैं, बच्चे ऊष्मा और उसकी संरचना की विधियों को बता रहे हैं, बच्चे प्रकाश के संचरण और परावर्तन को बता रहे हैं। ये बहुत सारे मुख्य संकेतक हैं, और इन संकेतकों के निर्माण के आगे ही स्थितियां बनती हैं। बच्चे दर्पण के प्रकार एवं उनके उपयोग को बता रहे हैं, बच्चे ध्वनि के प्रकार, संचरण और परावर्तन को बता रहे हैं, बच्चे विद्युत आवेश एवं उसके प्रकारों को बता रहे हैं, बच्चे सुचालक एवं कुचालक पदार्थों के नाम एवं उपयोग को बता रहे हैं। ये कुछ कक्षा 7 से निर्धारित संकेतक हैं। कक्षा 8 के लिए निर्धारित संकेतकों की बात करते हैं शिक्षकों। बच्चे पेट्रोलियम ईंधन व अन्य उत्पाद का प्रमुख स्रोत को चिन्हित कर रहे हैं। अब आप यहाँ स्तर में परिवर्तन देखेंगे, हमने कक्षा 5 की बात की, 6 की बात की, 7 की, 8 की, कहीं ना कहीं उनके स्तर में वृद्धि हो रही है। बच्चे ऊर्जा के विभिन्न स्रोत और उनकी उपयोगिता के बारे में बता रहे हैं, बच्चे खनिज अयस्क धातुओं के गुण और उपयोग के बारे में बता रहे हैं, बच्चे कांच, मृतिका, साबुन, उर्वरक और उनके उपयोगों को बता रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे संकेतकों की बात की जाती है, और एक एक संकेतकों से और संकेतकों का निर्माण कर सकते हैं, और उसके अनुसार ही हम वैसी कक्षा की स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। तो शिक्षकों, आज हमने बात आपके साथ की कि कक्षा में जब अध्यापक पढ़ाते हैं और जब हम एक शिक्षक प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं तो संकेतक क्या होते हैं। हमने ये भी बात की कि संकेतकों का निर्माण कैसे करते हैं। हमने ये भी बात करी कि संकेतकों को किस किस विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग में लाया जा सकता है। तो आज, और मुझे आशा है कि आप सभी लोग इस चीज़ के बारे में जान गए होंगे और अपने शिक्षण प्रक्रिया में इस चीज़ का उपयोग करेंगे, और जब भी आप इस प्रक्रिया को निर्धारित करेंगे तो संकेतकों का निर्माण कर और उसके अनुसार जो सहायक सामग्री के उसके अनुसार जो स्थितियाँ हैं कक्षा की, उसका निर्माण करेंगे, और आप ये भी देखेंगे कि कैसे संकेतकों का उपयोग किया जाता है। नमस्कार। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय के लोच से युक्त हो, मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने, हम अपना जीवन
घर बैठे पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है। NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें। ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं। क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो, प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट NIOS के संबद्ध क्षेत्र केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उचित दस्तावेज ना लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है। ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है। ऑनलाइन ऑन टाइम फॉर सेफ एंड सिक्योर एडमिशन।